नमस्कार बच्चों, कक्षा पाँच विषय हिंदी का पाठ पाँच आज इस वीडियो में आगे का पाठ बताया है। कविता की व्याख्या मैंने पहले समझा दिया है, एक बार और आप देख लीजिए कविता की व्याख्या, ऐसे में बता दे रही हूँ। चित्रकार शमशान जगत में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र। चतुर चित्रकार एक सुनसान जगह पर चित्र बनाने में व्यस्त था। इतनी में ही वहाँ यमराज का मित्र अर्थात शेर आ गया। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत हो गए होश। नदी पहाड़ के पेड़ पत्तों का रंग हो गया होश। जैसे ही चित्रकार शेर को देखता है उसके होश उड़ गए। उसे कुछ भी होश नहीं रहा, ना वहाँ नदी है, पहाड़ है, पेड़ पत्ते हैं, सबका उसे कुछ भी जोश नहीं रखते। लेकिन जब चित्रकार देखता है कि शेर एकदम शांत चुपचाप खड़ा है तो उसे थोड़ी हिम्मत आती है और वह शेर से बोलता है कि आप बैठ जाइए, आपका एक सुंदर चित्र मैं बना देता हूँ। शेर यह सुनते ही उठू उठू सारे डोर करके चुपचाप बैठ जाता है और बड़े ध्यान से चित्रकार की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि चित्रकार उसका चित्र बना रहा है। चित्रकार थोड़ी देर बाद कहता है कि आगे का भाग तैयार हो गया, अब आप मुंह उधर करके हाथ मुंह पीछे करके बैठ जाइए। ये जंगल के सरदार, ये जंगल के राजा, अब आप मुंह पीछे घुमाकर बैठ जाइए। इस तरह से चित्रकार शेर से कहता है। चित्रकार के कहने पर वह शेर पीठ घुमा करके बैठ जाता है। चित्रकार की तरफ वह पीठ कर लेता है, अपना मुँह पीछे कर लेता है। जैसे ही वह मुँह पीछे घुमाता है चित्रकार वहाँ से चुपचाप चोर की भांति पैर दबा करके निकल जाता है, भाग लेता है। बहुत देर तक वह सिंह पीठ घुमा करके आँख बंद किए बैठा रहा, लेकिन फिर सोचने लगा कि इधर क्यों इतनी देर लग रही है चित्र बनाने में, और उधर क्या हुआ कि चित्रकार भागा, झील के किनारे गया, वहाँ एक नाव लगी हुई थी और उस नाव को पकड़ करके वह भागा और लंबी सांस लिया, जी भर करके सांस लिया। जल्दी जल्दी नाव चलाते हुए वह कुछ दूर निकल गया और इधर से जब पीछे मुड़ करके देखा तो वह चित्रकार को नहीं पाया तो झुझलाहट में चूर हो गया, झुझलाहट से भर गया। उसने देखा कि चित्रकार को नाव से भागा जा रहा है तो खिसिया करके चित्रकार से बोला, तू जरा अपनी नाव तो रोक ले, ये कागज और कलम तो लेकर के जा पाए लड़को। लेकिन चित्रकार कहाँ वापस आने वाला था, वो वहीं से बोला कि इस कागज और कलम को आप अपने पास ही रखें और इससे इस जंगल में चित्रकारी का आनंद लीजिए, चित्रकारी का अभ्यास कीजिए। इस तरह से यहाँ आप लोगों को एक बार पुनः मैं इसकी व्याख्या बताती हूँ बच्चों। इसका संदर्भ आप लोगों को लिखना है, जब आप कॉपी में इसकी व्याख्या करेंगे तो इसका संदर्भ भी लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक सागरिका हिंदी पाठमाला के पाठ पाँच चतुर चित्रकार से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, अब ये पाठ्य पुस्तक का नाम आप डालेंगे सागरिका हिंदी पाठमाला के पाठ पाँच चतुर चित्रकार नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि, कवि देखिए यहाँ पाठ के अंत में नीचे नाम लिखा हुआ है कवि का, इसके कवि या फिर इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस तरह से आप इसका संदर्भ लिखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सागरिका हिंदी पाठमाला के पाठ पाँच चतुर चित्रकार नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इतना लिखने के बाद फिर आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग इसका इस प्रकार से है कि एक चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था, तब तक एक शेर आ गया और शेर से
वह कैसे अपनी जान बचाया, इसी के बारे में कवि ने इन पंक्तियों में बताया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए अभ्यास। अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहले तो मौखिक प्रश्न है, ये मौखिक प्रश्न आप लोग स्वयं से पढ़िएगा, छोटे छोटे उत्तर हैं, जैसे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्रकार चित्र कहाँ बना रहा था, तो चित्रकार बाग में चित्र बना रहा था। अचानक वहां कौन आ गया, अचानक वहां शेर आ गया, चित्रकार ने शेर से क्या कहा, इसका उत्तर चित्रकार ने शेर से कहा कि आप बैठ जाइए और आपका एक सुंदर सा चित्र मैं बना दूं। शेर पीठ घुमाकर क्यों बैठ गया, क्योंकि चित्रकार ने कहा था कि अब आगे का भाग तैयार हो गया, अब आप मुंह घुमा करके बैठ जाइए। तो इस तरह से शेर पीठ घुमा करके अपनी बैठ गया। ठीक है, पहले फिर से देख लीजिए प्रश्न, मौखिक में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आप लोगों को कॉपी में नहीं करना है बच्चों, ये स्वयं से पढ़ना है। चित्रकार कहाँ चित्र बना रहा था, तो चित्रकार बाग में चित्र बना रहा था। अचानक वहाँ कौन आ गया, अचानक वहाँ शेर आ गया। चित्रकार ने शेर से क्या कहा, चित्रकार ने शेर से कहा कि आप बैठ जाइए, आपका मैं सुंदर सा चित्र बना दूँ। शेर पीठ घुमाकर क्यों बैठ गया, शेर पीठ घुमाकर इसलिए बैठ गया क्योंकि चित्रकार ने उससे कहा कि आप पीठ घुमा करके बैठ जाइए, आप पीछे का चित्र मैं बना दूँ। ठीक है, इस तरह से ये चार प्रश्न आप लोगों के बोलने की बारी में है, मतलब अपने स्वयं से इसको पढ़ना और समझना। इसके बाद अब आ जाइए, ये देखिए ध्यान से बच्चों, लिखित में लिखने की बारी। ये आप लोगों को इसमें किताब में भरना है। चित्रकार चित्र कहाँ बना रहा था, इसके चार विकल्प दिए गए हैं। नदी के किनारे, बाग में, पर्वत पर, नदी में, तो दूसरा विकल्प सही है, बाग में। चित्रकार चित्र कहाँ बना रहा था, बाग में बना रहा था। अचानक चित्रकार के पास कौन आया, अचानक चित्रकार के पास तीसरा विकल्प देखिए शेर आया। इसमें चार विकल्प हैं, उसका मित्र सांप, शेर, बैल, इसमें से तीसरा विकल्प सही है, शेर आया। इसको आप लोग किताब में लगा दीजिए, किताब में राइट लगा देना है। अचानक चित्रकार के पास कौन आया, तो तीसरा विकल्प सही है, शेर आया। झील के किनारे क्या था, इसमें पहला विकल्प सही है, झील के किनारे नाव था। शेर ने चित्रकार को लेकर जाने को कहा, क्या लेकर जाने को कहा, शेर ने चित्रकार को क्या लेकर जाने को कहा, तो आप लोग कविता पढ़िएगा, उसमें बेटा इस सबका उत्तर मिल जाएगा। फिर भी मैं बता दे रही हूँ, दूसरा विकल्प सही है, कागज और कलम लेकर के जाने को कहा। शेर ने चित्रकार को कागज और कलम लेकर के जाने को कहा, तो आप लोग चौथे में कागज और कलम पर राइट लगाएंगे, गा में पहला नाव पर लगाएंगे, खा में तीसरा शेर पर लगाएंगे, और का में पहले दूसरा बाग में लगाएंगे। ये इस तरह से राइट लगाना है। अब आप आ जाइए बच्चों, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये कविता की आधी आधी पंक्तियाँ दी गई हैं, आधी एक तरफ, इसको मिलान करना है। देखिए, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। ये मिलान करना है, आप लोग कविता पढ़िएगा, कविता में से पूरी पूरी पंक्ति मिला दीजिएगा। हमने मिला दिया है यहाँ पर, ये किताब में ध्यान दीजिए बच्चों। इसको मैं इसकी कॉपी लेकर के आप लोगों के ग्रुप में मैं डाल दूंगी। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, तुरंत उड़ गए होश से मिलान किया हुआ है। ऐसे ही आगे की पंक्तियाँ, बोला सुंदर चित्र बना दूँ, अब इसको मिलान करना है, बैठ जाइए आप, इससे मिलान करना है। तीसरा, अब मुँह आप इधर तो करिए जंगल के सरदार, ठीक है। तीसरा गा, इसको मिलान करना है जंगल के सरदार से, अब मुँह आप इधर तो करिए
चित्रकार इसे मिला। चौथा खा है चित्रकार चुपके से खिसका, इसको मिलाना है एकदम ऊपर में जाइए, जैसे कोई चोर। अंगा को मिलान करना है, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, निकल गया वह दूर से मिलान करना है। अगला च चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास से मिलान करना है। ठीक है बच्चों, फिर से देख लीजिए पूरा पूरे पूरी पूरी पंक्तियां मैं पढ़ दे रही हूँ। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, बोला सुंदर चित्र बना दो बैठ जाइए आप, अब हम आप इधर को करिए जंगल के सरदार। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास, इस तरह से मिलान करके पंक्ति पूरी करना है। अब देखिए बच्चों तीसरा, शुद्ध शुद्ध लिखो। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें कठिन शब्द हैं, उन शब्दों को उसी प्रकार से देखते हुए आगे यहाँ पर आप लोगों को पूरा करना है। ठीक है, ये यहाँ देखिए, यहाँ से चित्र ये शब्द दिए गए हैं, चित्रकार, उल्लू, बांस, झुझलाहट, जल्दी, मित्र, मूद कर, सांस, डरपोक, अभ्यास, इस तरह से इन्हीं शब्दों को देखते हुए ठीक वैसे ही शुद्ध शुद्ध आप लोगों को आगे लिखना है। अब चौथा आ जाइए, चौथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पांच प्रश्न दिए गए हैं और ये पांच प्रश्न हमने ये बोर्ड पे लिखा है और उसका उत्तर भी लिखा है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न देखिए बच्चों, चित्रकार ने शेर को देखकर क्या कहा, ये पहला प्रश्न है और इसका उत्तर देखिए। चित्रकार ने शेर से कहा, आप बैठ जाइए, आपका एक सुंदर सा चित्र मैं बना दूं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है, इसको आप लोग कॉपी में करेंगे। जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों की व्याख्या कॉपी में करेंगे और इन इस चौथे प्रश्न में जितने प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर भी आप कॉपी में करेंगे और बाकी जो है ये सब आप लोगों को किताब में करना है। चित्रकार ने शेर को देखकर क्या कहा, चित्रकार ने शेर से कहा, आप बैठ जाइए, आपका एक सुंदर सा चित्र मैं बना दूं। दूसरा देखिए, शेर को झुझलाहट क्यों हुई, उत्तर इसका है, शेर को झुझलाहट इसलिए हुई क्योंकि वह चित्रकार से धोखा खाया था। शेर को झुझलाहट इसलिए हुई क्योंकि वह चित्रकार से धोखा खाया था। अगला प्रश्न, चित्रकार ने किस प्रकार सूझ का परिचय दिया, तीसरा प्रश्न है, चित्रकार ने किस प्रकार सूझ का परिचय दिया, इसका उत्तर देखिए। चित्रकार ने शेर से बैठने को कहा जिससे उसका चित्र बनाए, फिर मुंह पीछे करके बैठने को कहा। जैसे ही शेर मुंह पीछे करके बैठा, चित्रकार चुपचाप वहां से भागा, इस प्रकार वह सूझ का परिचय दिया। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर है, चित्रकार ने शेर से बैठने को कहा जिससे उसका चित्र बनाए, फिर मुंह पीछे करके बैठने को कहा। जैसे ही शेर मुंह पीछे करके बैठा, चित्रकार चुपचाप वहां से भागा, इस प्रकार वह सूझ का परिचय दिया। अब आप देखिए चौथा प्रश्न, शेर को गुस्सा क्यों आया, चित्रकार उसे धोखा देकर भाग गया इसलिए उसे गुस्सा आया, इसलिए उसे या फिर शेर को कर सकते हैं, इसलिए शेर को गुस्सा आया। चित्रकार उसे धोखा देकर भाग गया इसलिए शेर को गुस्सा। पांचवा प्रश्न, चित्रकार ने शेर को क्या जवाब दिया, उत्तर, चित्रकार ने शेर को जवाब दिया कि कागज और कलम अपने पास रखे और जंगल में चित्रकारी का अभ्यास करें। इस तरह से चित्रकार ने
शेर को जवाब दिया कि वह कागज और कलम अपने पास रखे और जंगल में चित्रकारी का अभ्यास करे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, चित्रकार दो शब्दों से मिलकर बना है, चित्र प्लस कार, इसी प्रकार कुछ और शब्द बनाइए। अब आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मूर्ति, इसमें कार जोड़ देंगे तो मूर्तिकार हो जाएगा। ठीक है, मूर्तिकार। स्वर के साथ कार जोड़ देंगे तो स्वरकार। संगीत के साथ कार जोड़ देंगे तो संगीतकार। कला के साथ कार जोड़ देंगे तो कलाकार, कथाकार, गीतकार। इस तरह से आप लोगों के शब्द बनते चले जाएंगे। मूर्तिकार, स्वरकार, संगीतकार, कलाकार, कथाकार और गीतकार। इस तरह से आप इन सारे शब्दों में कार शब्द जोड़ करके नया नया शब्द बनाएंगे। अब प्रश्न नंबर 6 ध्यान दीजिए, इन शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखिए। चित्र है, चित्र का मिलता जुलता शब्द हमने मित्र बना दिया है। आप कोई भी अपने दिमाग से कोई भी और भी शब्द बना सकते हैं। चित्र मित्र हो गया, होश का जोश हो गया, और का छोर हो गया, रोग का शोक हो गया, देर का ढेर हो गया, सांस का वास हो गया, दूर का सूर हो गया, पास का घास हो गया। इस तरह से हमने कुछ शब्द बना दिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वही शब्द लिखिए। आप अपने मन से, अपने दिमाग से कोई और भी मिलते जुलते शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों के बहुत सारे मिलते जुलते शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, ये हो गया आप लोगों का 6 प्रश्न। अब ये देखिए 11वें प्रश्न पर आ जाइए बच्चों। 11वें में ये नीचे दिए गए वर्ग में आदमी, राजा, देवता और राक्षस, इन चारों शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें ढूंढकर लिखिए। यहाँ आप लोगों को लिखना है दो दो पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसको आप लोगों को ढूंढ ढूंढ करके इसमें से, जैसे आदमी है, आदमी का मनुष्य हो सकता है, जन हो सकता है, राजा का भूख हो सकता है, नृप हो सकता है, ऐसे ऐसे आप लोगों को इसमें से शब्द मिलेंगे, उनको ढूंढ करके आपको यहाँ फिलअप करना। यहाँ देखिए दिए गए रिक्त स्थान में अपनी पसंद का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। एक कोई भी अपने मन माफिक चित्र बना लीजिए और उसको सुंदर रंगों से भरिए। इस तरह से आपका पाठ आज ही समाप्त हो जाता है।